वहीं नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों की धरपकड़ की गई। साथ ही निगम का अमला पशुपालकों से रोका छेका संकल्प अभियान के तहत पशु मालिकों को समझाइश दे रहे हैं कि वे अपने मवेशियों के चारा पानी सहित समुचित व्यवस्था स्वयं करें। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने गोधन को रक्षित करने रोका छेका संकल्प अभियान के तहत पशु मालिकों को अपने मवेशी की सुरक्षा स्वयं करने, चारा पानी की समुचित व्यवस्था करने कहा है, जिससे अनावश्यक घूमने वाले मवेशियों के चलते परेशानी न हो। भिलाई निगम क्षेत्र के सड़कों पर आवारा मवेशियों के घूमते हुए पाए जाने पर उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पकड़े हुए मवेशियों को शहरी गोठान में रखा जा रहा है और पशु मालिकों से अर्थदंड लेकर लौटाया जा रहा है। इसके बाद भी दोबारा पशुपालक के पशु आवारा की तरह सड़कों पर घूमते हुए पाए गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गोधन को रक्षित एवं संरक्षित करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशु यातायात में बाधक बनकर दुर्घटना का कारण बनते हैं, जिससे होने वाली दुर्घटना में पशुधन एवं जनधन दोनों की हानि होती है। भिलाई निगम ने अपील की है कि इससे बचने के लिए पशुपालक अपने पालतू मवेशियों को सड़क पर आवारा न घूमने दें। देखिए, ऐसा है कि अंदरूनी क्षेत्रों में भी एक्चुअली आवारा मवेशियों की धरपकड़ की जाती रही है, क्योंकि 1100 जो को कॉलिंग है 1100, उसके तहत में निदान में जो है इसके शिकायतें भी आती रहती हैं, जिसके तहत में अंदरूनी क्षेत्र हो चाहे निगम के भिलाई निगम के जो भी क्षेत्र होंगे, वहाँ पर पशु को पकड़ कर जो आवारा पशु होते हैं उसको गौठान में रखा जा रहा है। इसके अलावा लेकिन मुख्य सड़क से जब आवारा पशु हटाने का जब काम किया जा रहा है, तो अब आवारा पशु जो है सड़कों पे मुख्य सड़क में जो कमी हो रही, अब वो जो अंदर के क्षेत्र है वहाँ पे ये दिक्कतें थी कि कई जगह जो पागल सांड है या कुछ ऐसे मवेशी हैं जो नुकसान भी लोगों को पहुँचा रहा है, तो ऐसे जो मवेशी हैं उनको अंदरूनी क्षेत्रों से पकड़ा जा रहा है। इसके अलावा अंदरूनी क्षेत्र में जो मेजर जो सड़क है, प्रमुख सड़क है जहाँ से यातायात बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है ट्रैफिक, वैसे क्षेत्रों से भी जो है आवारा पशुओं को पकड़ने का काम किया जा रहा है और गठान में उसको रखा जा रहा है। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए दल ने मुख्य चौक चौराहों को टारगेट किया है। वहीं अंदरूनी बस्तियों में भी आवारा पशुओं को पकड़ने का काम लगातार जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।